हेलो एवरीवन। तो इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ काले हनुमान जी मंदिर। तो ये है सांगानेरी गेट, आप देख सकते हो सांगानेरी गेट। यहाँ से मैं इंटर होऊंगा और मैं इसी के कोने पे जो हनुमान जी है पूर्व और पश्चिम मुखी हनुमान जी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगा काले हनुमान जी के सच्चाई और वहाँ के बारे में जो चमत्कार है उसके बारे में। तो मैं जा रहा हूँ अंदर और ये हनुमान जी मंदिर में आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको पूर्व पश्चिम हनुमान जी मंदिर देखने को मिलेगा, जो भी बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही शानदार है। तो ये है पूर्व मुखी और ये सामने पश्चिम मुखी हनुमान जी। तो ये दोनों मंदिर एग्जैक्ट है आमने सामने बने हुए। तो अब मैं रास्ते दिखाऊँगा आपको हनुमान जी की तरफ जाने वाले। गाइस ये देख सकते हो ये रास्ता जाता है बड़ी चौक, ये रास्ता जाता है हनुमान जी की तरफ सामने और इधर से जाते हैं गोविंद देव जी की तरफ। ये गेट है, एक गेट और भी आगे है और ये सामने वाला ये रास्ता जा रहा है गोविंद देव जी, ये सामने वाला रास्ता काले हनुमान जी की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं आपको। तो ये रास्ता आप देख सकते हो ये चांदी की टकसाल की तरफ जा रहा है और इधर से एक और रास्ता है, गेट है, जिससे अपन डायरेक्ट गोविंद देव जी मंदिर की तरफ जा सकते हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। और ये सब्जी मंडी से होकर निकलता है और ये आपको गोविंद देव जी गार्डन में डायरेक्ट लेकर के जाने वाला रास्ता है। तो आप इस रास्ते से भी गोविंद देव जी जा सकते हो काले हनुमान जी के दर्शन करके, या फिर गोविंद देव जी के दर्शन करके आप काले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इधर आ सकते हो। ये बहुत चमत्कारी मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि जो सात शनिवार यहाँ पर विष रखता है वो पूरी की जाती है काले हनुमान जी के द्वारा। तो ये है मंदिर, देख सकते हो आप, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है, इतना प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर में। ये सबसे पुराने हनुमान जी माने जाते हैं और इस मंदिर में कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, कई सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हुई। तो गाइज आप भी यहाँ आना ना भूलें, एक बार जरूर से जरूर विजिट करें। अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको अंदर। तो गाइज ये है यहाँ का प्रांगण और ये हनुमान जी का गेट है। तो मैं अंदर लेके जा रहा हूँ आपको, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा अंदर। अब मैं अंदर आ चुका हूँ गाइस। तो ये क्या है कि आरती का टाइम अभी है नहीं और मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो गाइस देख सकते हो सामने हनुमान जी, इसके अंदर किसी को भी नहीं आने की परमिशन थी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अंदर आ गया हूँ। देख सकते हो ये प्रांगण है, यहाँ से आरती यहाँ होती है, 5:30 बजे आरती होगी तो ओपन होगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए।